नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS Academy में। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप विद्युत धारा, जो कक्षा 12 का जो थर्ड चैप्टर है, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थी, तो लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड देखे थे। आज हम उससे आगे का वीडियो लेकर आए हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन कि एक लड़के के पास उसके दराज में दो अतिरिक्त प्रकाश बल्ब हैं, एक को 240 वोल्ट 100 वाट पर चिन्हित किया गया है तथा दूसरे को 240 वोल्ट 60 वाट पर चिन्हित किया गया है। वह निश्चय करने के लिए प्रयास करता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि P बराबर, देखिए, वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है और यहां से आर बराबर वी स्क्वेयर अपॉन P हो जाएगा। तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पर दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है। हालांकि दोनों पर जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, वोल्टेज सेम है, शक्ति इनकी डिफरेंट है। तो जिसकी शक्ति 40 60 वाट है उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? 60 वाट के प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें उससे मिलने वाली जो रोशनी है वो कम होगी। तो पहला ही स्टेटमेंट यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक हीटर, विद्युत हीटर को वोल्टा सप्लाई से जोड़ा जाता है, कुछ सेकंड पश्चात धारा इसका स्थायी मान प्राप्त करती है तो इसकी प्रारंभिक धारा होगी। देखिए, एक बार इससे को समझ लीजिए कि हम यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो इस तरीके की सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब धारा का मान बढ़ता है, समय बढ़ता है, तो जो तार है वो गर्म होता है और I² RT के अकॉर्डिंग उस तार से हीट क्रिएट होती है। जितने समय समय बढ़ेगा या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या धारा जब इंक्रीज होगी तो हीट इंक्रीज होगी। और जब हीट बढ़ती है तो जो ग्राफ है वो सीधा न जाकर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, देखिए आर बराबर क्या होता है, वी बट्टे में I, यहां से V है, सॉरी, I बराबर V बट्टे में R। तो रेजिस्टेंस यहां से इंक्रीज होगा तो धारा डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद में जो स्थायी धारा है वो कम होगी, प्रारंभिक धारा अधिक होती है। तो प्रारंभिक धारा क्या होगी? प्रारंभिक धारा अधिक होगी, फिर धारा का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसकी स्थायी धारा से प्रारंभिक धारा इसकी स्थायी धारा से थोड़ी सी अधिक होगी, फिर धारा का मान घट जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें। हमारे पास में दो स्तंभ हैं और दोनों को आपस में मिलाना है। चलिए देखिए कि प्रतिरोध जितना कम होता है धारा उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी धारा उतनी ही अधिक होगी। जब हम रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कम होता है और धारा उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि समांतर क्रम में जब जिस रेजिस्टेंस का मान कम होगा उसमें से बहने वाली धारा अधिक होगी। ये समांतर क्रम में होता है। ओके, फिर है देखो, प्रतिरोध अधिक या कम होने पर धारा समान रहती है। प्रतिरोध चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, श्रेणी क्रम में यदि वो जुड़े हुए हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रतिरोध की वैल्यू सेम, प्रतिरोध कम ज्यादा हो
पर धारा का मान समान रहेगा, एक समान रहेगा। फिर है प्रतिरोध, जितना अधिक होगा शक्ति उतनी कम होगी। प्रतिरोध जितना अधिक है शक्ति उतनी कम होगी। अब ये कब है पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास में एक रिलेशन है पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन में आर, और एक है पी बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर। तो जब रेजिस्टेंस अधिक होगा तो शक्ति कम होगी। तो देखिए, प्रतिरोध जितना अधिक तो शक्ति उतनी कम होगी जब वी समान हो। वोल्टेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो ऑप्शन ये ऑप्शन पी में होगा। फिर प्रतिरोध जितना कम होगा शक्ति भी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध जितना कम होगा, ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है यहाँ पर शक्ति उतनी ही कम आएगा यहाँ पर। और ये कब होता है? जब धारा समान गुजरती है। धारा क्या गुजरेगी? समान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, कि जब दो रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा सेम रहती है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, फिर देखिए कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टता समान होती है, ये गलत है। वोल्टेज प्रतिरोधों के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक प्रतिरोध में न तो धारा न ही वोल्टता समान रहती है, धारा समान रहती है, ये भी गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और वोल्टता दोनों ही समान रहती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 12 ओम है प्रति मीटर प्रतिरोध के एक तार को 10 सेमी त्रिज्या के एक पूर्ण वर्त के रूप में मोड़ा जाता है, और चित्र अनुसार इसकी व्यास विपरीत बिंदु ए एवं बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? ये हमारे पास में एक 12 ओम का तार है। तो यहाँ से ये जो आप तार देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी यदि हम रेडियस देखें, कैपिटल आर ले लें, तो ये पूरी जो परिधि है वो 2πr होती है। तो ए से बी तक ये वाला जो तार है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है पाई आर के बराबर। इसका रेजिस्टेंस भी पाई आर, क्योंकि 2πr पूरी है, तो पाई आर ऊपर पाई आर नीचे। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोनों यहाँ पर समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो 1/r आर इक्विलेंट बराबर 1/r R1 प्लस 1/r R2। और यहां से 12 ओम प्रति मीटर का रेजिस्टेंस है, तो 10 सेमी त्रिज्या के, तो यहां से देखिए R1 और R2 इनकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूजन की स्थिति न रहे, तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r ले लें, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से पुट कर रहे हैं। तो यहां से एक तो हमें R1 निकालना है, तो R1 बराबर क्या है? पाई आर, और पाई स्मॉल आर क्या हो जाएगा? दूरी। तो दूरी तो क्या होगी? प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध। तो प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध हमें दे रखा है 12। देखिए ये तो दूरी हो गई, और प्रति मीटर प्रतिरोध है वो दे रखा है 12। ठीक है, तो यहां से पाई आर की जो वैल्यू है, जो तार है उसकी टोटल जो लेंथ है वो 10 सेमी त्रिज्या के एक पूर्ण वर्त के रूप में जोड़ा जाता है। तो आर का जो मान है वो 10 सेमी है, तो 0.1 × 12। ओके, तो यहां से R1 और सिमिलर वैल्यू आ जाएगी R2 की। तो 1/r आर इक्विलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 1/r 1.2π प्लस 1/r 1.2π। तो यह आ जाएगा 2/r 1.2π बराबर 1/r 0.6π आर इक्विलेंट बराबर 0.6π ओम। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में दर्शाए परिपथ में प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। R1 और R2 है,
R1 और R2 की वैल्यू इस डायग्राम को देखते हुए हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों ही भाग हैं, ये श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो यहाँ से इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या होगा, I इंटू R, तो I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 20। तो इसका जो वोल्टेज है, इसके ऊपर ड्रॉप जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। ओके, इसके ऊपर भी 20 वोल्ट ड्रॉप है, तो यहाँ से बहने वाली आप धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो I बराबर होता है V 20, R 10, तो यहाँ से बहेगी 2 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 0.5 एम्पियर। हमें यहाँ से R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके ऊपर R2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वोल्टेज बराबर I इंटू R और R2, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, V का मान 20, I का मान हमारे पास में 0.5, तो ये आ गया 40 ओम। कितना आ गया, 40 ओम। तो R2 का मान तो आ जाएगा 40 ओम। अब R1 चाहिए, तो यहां से बहने वाली टोटल जो धारा है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल जो धारा है वो हमारे पास में क्या है, टोटल जो धारा है वो हमारे पास में देखिए, यहां से तीनों को ऐड कर दीजिए, समांतर क्रम में ऐड हो जाएगी, तो वही यहां से R1 से बहेगी, तो 0.5, 1, 2, तो 3.5 एम्पियर कितनी होगी, 3.5 एम्पियर। ओके, फिर अब R1 पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, टोटल है 69 वोल्ट, और यहाँ से इतनी दूर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो गया 20, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 49, 69 में से 20 घटा दे तो 49 वोल्ट इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला है। ओके, तो यहाँ से बहने वाली जो धार जो वो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, V बट्टे में I, तो V का मान तो यहाँ पर 49 अपॉन 3.5, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में इसकी फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो 14 ओम यहाँ से हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिए R2 जिसकी वैल्यू हमारे को 40 ओम आई थी, 40 ओम दो ऑप्शन में दे रखी है, और 14 ओम R1 की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए एवं बी 15 ओम प्रतिरोध की एक समान वलय पर दो बिंदु हैं, ए ओ बी 45 डिग्री, तो ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और यहाँ से जब आप इसको 45 डिग्री पर डिवाइड करेंगे, तो देखो यदि आप 45 डिग्री के हिसाब से इसको डिवाइड करते तो इसके 8 भाग हो जाते हैं, तो 7 भाग तो ये रहेगा ए सी बी वाला, 7 भाग का रेजिस्टेंस, ये 8वां भाग यहाँ पर, तो तुल्य प्रतिरोध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। 15 ओम है तो ए सी बी जो रेजिस्टेंस है ए सी बी ये हमें ज्ञात करना है, तो कुल जो रेजिस्टेंस है उसका 7/8वां भाग इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला है, इसका मान होने वाला है। फिर ए डी बी और इसके ऊपर कुल रेजिस्टेंस का 1/8वां भाग होगा। अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हो गए तो 1/ आर इक्विलेंट बराबर 1/ आर ए सी बी प्लस 1/ आर ए डी बी, तो यहाँ पर 15 × 7 8 ऊपर चला गया, यहाँ से 15 × 7 एलसीएम आ जाएगा, 8 + 56, तो ये आ गया हमारे पास में 44/15 × 7, और आर इक्विलेंट इक्वल टू आ जाएगा 15 × 7/44, और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 1.64, जो भी आएगा
वहां से 2.64 आ जाएगा, जो भी इसका जो आंसर आएगा वो इसका तुल्य प्रतिरोध हमें मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि तीन प्रतिरोधक 5 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम को किसी तरीके से संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, तो इनको श्रेणी क्रम में हम संयोजित करेंगे और श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो 5 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम, तो 12.5 ओम आ जाएगा। ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम प्रतिरोधों के तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, यह संयोजन 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ा जाता है, तो एम्पियर में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा होगी। प्रत्येक प्रतिरोधक में से बहने वाली धारा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो पहले रेजिस्टेंस में से बहने वाली धारा V बट्टे में R1, V का मान 12 है, R1 का मान है 3, तो ये तो आ जाएगी 4 एम्पियर। V बट्टे में R2, तो 12 बट्टे में 4, 3 एम्पियर। और I3 बराबर है V बट्टे में R3, 12 बट्टे में 5, यह आ जाएगा 2.4 एम्पियर। तो 4, 3 और 2.4, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दिखाए गए एमीटर का पाठ्यांक है, चित्र में जो हमें एमीटर दिखाया गया है इसकी पाठ्यांक मतलब इसमें से बहने वाली धारा हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो हमें यहां पर ज्ञात करना, या देखिए अभी हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, उसमें से बहने वाली धारा यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए कि ये जो 6 ओम और 3 ओम है ये दोनों समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते। तो 1/R' बराबर 1/6 प्लस 1/3, 6 यहाँ से लघुतम आ गया, 1+2 3/6 और R' बराबर आ जाएगा 2 ओम, R' की वैल्यू क्या आ गई। इसी प्रकार से 6 ओम और 3 ओम ये दोनों भी समांतर क्रम में, इन दोनों का भी आ जाएगा 2 ओम। ओके, फिर यहां पर 2 ओम और यहां पर भी 2 ओम, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा 2+2 4 ओम, और उनके समांतर क्रम में है 2 ओम, तो तुल्य जो प्रतिरोध है R इक्विलेंट वो 4 × 2/4+2 8/6 4/3 1.33 ओम आ जाएगा, 1.33 ओम आ जाएगा। ओके, अब ये तो आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब यहां से बहने वाली कुल धारा, यहां से बहने वाली जो टोटल जो करंट है वो क्या होगी, तुल्य धारा है वो क्या होगी वो देख लेते हैं। अभी तो इसमें 0.8 ओम और लगा हुआ है, तो यहां से तुल्य धारा कुल वोल्ट था तो 4/3 तो हमारे पास में था ही, 4/3 ये तो कैपिटल R प्लस में 0.8 भी है विद्यार्थियों, स्मॉल R की वैल्यू है। तो यहां से V का जो मान है वो है 14 और 3 यहां पर LCM आकर ऊपर चला जाएगा, 4+2.4 तो 42/6.4 ये आ गया हमारे पास में टोटल धारा। अब ये जो धारा है ये यहां से यहां पर आते ही दो भागों में डिवाइड होगी और वो भी 2:1 में होगी, तो 2:1 में होगी, तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो 1/3 में बहेगी, 14/64 आ जाएगा, 140/64 एम्पियर। तो यहां से 140/64 आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2.18 एम्पियर आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है
प्रतिरोधों का एक अनंत सीडी नेटवर्क चित्र अनुसार 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध से निर्मित है और ए एवं बी के मध्य 6 वोल्ट की बैटरी इसका आंतरिक प्रतिरोध निगण्य है। तो ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 1 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस तरीके का सर्किट मिल जाएगा जिसमें ए और बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे कि दो बिंदु में यहाँ पर चूज कर रहा हूँ सी और डी। ओके, अब ये जो सी और डी आप देख रहे हैं इसके बाद में जितना रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में होगा, जितना रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है उतना ही रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि ऐसे अनंत पद हैं, ये यहाँ पर कितनी दूरी तक चल रहा है, अनंत पदों तक चल रहा है, यदि उसमें से एक पद घटा लिया, ये पहला वाला पद घटा लिया इसमें से, ऐसे ही एक भाग को हटा लिया तो भी अनंत ही भाग बच जाएंगे। तो सी और डी के मध्य जो रेजिस्टेंस होगा वो ए और बी के मध्य जो रेजिस्टेंस होगा उसी के इक्वल होगा, तुल्य होगा। ओके, तो यहां से हम कंसिडर कर लें कि भाई इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध आर है, कैपिटल आर हम मान लेते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, हम ए और बी के मध्य आर माना तो सी और डी के मध्य भी जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर होगा। तो ये जो सर्किट है वो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको एक बार दोबारा निर्मित करते हैं, ये हमें इस तरीके से मिलने वाला है। ये यहां पर 2 ओम तो लगा हुआ ही है और यहां पर ये कैपिटल आर। ओके, अब इसे आप समझें कि भाई ये हमने ए और ये हमने बी, इनके बीच का ये है सी और ये है डी, इसके बीच में है आर, ये है 2 ओम, यह है 1 ओम। चले ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस जो तुल्य प्रतिरोध है वो तो है आर, आर बराबर ये 1 ओम प्लस ये जो दोनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 2 ओम और आर, ये दोनों समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में जब दो रेजिस्टेंस होता है तो आर वन आर टू, तो 2 गुणा में आर बट्टे में 2 प्लस आर, ये हो जाएगा। और यहाँ से इसका एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस आर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस आर आ जाएगा प्लस में 2 इंटू आर आ जाएगा, तो 2 आर प्लस में आर स्क्वेयर बराबर 2 प्लस आर प्लस 2 आर। देखिए यहां से आर स्क्वेयर यहां से 2 आर से ये वाला जो 2 आर है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आर माइनस में 2 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास में। अब यहां से हम ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण हो गई है और द्विघात समीकरण का हल देखिए x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अनरूड है बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघात समीकरण का हल होता है, मूल का फॉर्मूला है। तो माइनस में b, तो माइनस में एक प्लस माइनस अनरूड बी स्क्वेयर, तो माइनस एक का स्क्वेयर करेंगे तो एक आ गया, फिर माइनस में 4a का मान 1, सी का मान माइनस में 2 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर बट्टे में 2a, ये हमारे पास में आ गया है। देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, एक आ गया, प्लस माइनस अनरूट में 5 आ गया बट्टे में 2 आ गया। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती तो प्लस वाला साइन ही हम लेकर चलेंगे, ये इसका आंसर आएगा। ओके, और जब हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 प्रतिरोधों
दो ओम, चार ओम और पांच ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इन प्रतिरोधों में विभव बिंदु है, इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, क्योंकि इनमें से बहने वाली धारा सेम होगी श्रेणी क्रम में। तो देखिए, यहाँ से तुल्य जो रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 + 4 + 5, तो ये तो आ गया 11 ओम। ओके, यहाँ से बहने वाली जो टोटल जो धारा है वो आ जाएगी वी बट्टे में आर इक्विलेंट, 12 बट्टे में 11 एम्पियर। अब वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, 2 ओम पर, 2 ओम पर क्या हो जाएगा, V1 = IR1, 12 बट्टे में 11 R1 की वैल्यू है 2, तो 24 बट्टे में 11, तो ये 2.18 आ जाएगा। ओके, फिर 4 ओम पर, तो V2 = I R2, तो 12 बट्टे में 11 × 4, ये 4.36 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में है 5 ओम, तो V3 = I × R3, तो ये V3 = 12 बट्टे में 11 × 5, 60 बट्टे में 11, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 प्रतिरोधों 9 ओम, 7 ओम और 5 ओम के पार्श्व क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध होगा, तो ये यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जबकि तीनों ही जो रेजिस्टेंस हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 1/9 + 1/7 + 1/5, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका 315 आ जाएगा, 315, 9 का भाग लगाएंगे तो 35, 7 का लगाएंगे तो 45 और 5 का लगाएंगे तो 63, और इनका टोटल करेंगे तो 143। आर इक्विलेंट इक्वल टू 315/143, 2.02 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कॉपर बेलन नली की आंतरिक त्रिज्या ए और बाहरी त्रिज्या बी है, प्रतिरोधकता रो है, दोनों सिरों के मध्य बेलन का प्रतिरोध क्या होगा, बेलन का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर पूछा है, तो आर बराबर होता रो एल बाई ए, और जो बेलन हमारे को बता रखा है वो इस तरीके से है, ऐसे इस तरीके से, जिसकी आंतरिक जो त्रिज्या है वो ए और बाह्य जो त्रिज्या है वो है बी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर देंगे तो रो एल अपॉन में पाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, ये यहां पर 5 ओम और 8 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 13 ओम, कितना हो जाएगा, 13 ओम हो जाएगा। फिर ये जो 13 ओम है ये इसके साथ में समांतर क्रम में, तो 1/R" = 1/R" + 1/6, तो 1/13 + 1/6 इनका लघुत्तम आ गया 78, 6 + 13 = 19/78, R" = क्या आ गया, 78/19, 78/19। अब अपन को इनको तीनों को ही जोड़ देना है,
आर बराबर 4 + 5 + 78/19, तो ये हो गया 9 + 19 का भाग लगाएंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 13.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध कैपिटल आर के एन प्रतिरोधों को सर्वप्रथम अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध देने के लिए जोड़ा जाता है, फिर न्यूनतम प्रतिरोध का जो अनुपात है वो क्या होगा, अधिकतम के लिए उनको क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो आर मैक्सिमम क्या होगा, R+R+R, ये चलेगा एन टाइम्स, और आर मिनिमम तो 1/R = 1/R+1/R+, ये भी चलेगा एन टाइम, तो यहां से तो ये तो आ जाएगा एन आर और ये आ जाएगा एन बट्टे में आर, तो हमें यहां पर आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का अनुपात पूछा है, तो आर मैक्सिमम तो है एन आर और यहाँ से आर मिनिमम हो जाएगा आर बट्टे में एन, तो आर बट्टे में एन, तो एन स्क्वेयर आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि दिए गए नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध क्या है, हमारे को एक सर्किट दे रखा है और इसमें जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू क्या है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, सीधा उनका योग हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6, तो 7, 5, 13 और 6 18 ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि तुल्य प्रतिरोध 11/5 ओम पाने के लिए प्रतिरोध 1, 2 और 3 ओम का सही संयोजन होगा, तो सभी तीनों समांतर क्रम में हैं, तीनों समांतर क्रम में हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, 6 लघुत्तम आ गया, 6 + 3 + 2, तो ये तो आ गया हमारे पास में 11/6, आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया है 6/11 ओम, जबकि हमें 11/5 चाहिए था, 11/5, तो ये तो गलत है, तीनों जब श्रेणी क्रम में हो तो तीनों का सीधा जोड़ हो जाएगा 6 ओम आएगा। अब हमारे को ये पूछा है 1 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में हो, 1 ओम और 2 ओम जब समांतर क्रम में हो और 3 ओम दोनों से श्रेणी क्रम में, 1 ओम और 2 ओम का समांतर क्रम का निकाल लेते हैं, 1 × 2/1 + 2, 2/3, अब 2/3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम आ गया, 2 + 9, 11/3 ओम आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अंतिम ऑप्शन और देख लेते हैं, 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध देख लेते हैं, 2 × 3/2 + 3, तो 6/5, अब 6/5 + 1, तो 5 लघुत्तम आ गया, 6 + 5 11/5 ओम, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए और बी के मध्य दिए गए नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 ओम और ये 3 ओम, इन दोनों की जगह हमारे पास में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो 6 ओम, और यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम, यहाँ पर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 6 × 4/6 + 4, 24/10, और ऐसे ही 1 भाग हो गया, सेम 2 भाग हो गया, सेम 3 भाग हो गया, तो आर इक्विवेलेंट फिर तीनों जुड़ जाएंगे, 24/10 + 24/10 + 24/10, या आप इसको गुणा कर दो 3 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24/10 × 3, तो 5, और ये आ गया 12, 12 को 36/5 ओम आ जाएगा, 36/5 ओम।
नेक्स्ट देखिए कि 10 ओम के 5 समान प्रतिरोधों को चित्र में दर्शाए अनुसार ए एवं बी के मध्य जोड़ा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां से ये 10 ओम और 10 ओम इन दोनों की जगह आ जाएगा 20 ओम, और ये 10 ओम और 10 ओम इनकी जगह आ जाएगा 20 ओम। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, तो ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। ये तीनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये हमारे पास में हो गया 20 ओम, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 10 ओम। तो इक्विलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, 1/20 + 1/20 + 1/10। तो 20 हमारे पास में एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 2, 4/20। तो इक्विलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया 20/4 = 5 ओम। ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार समान प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध S है, समान है और उनका श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तो क्या है? S है। यदि ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध P हो जाता है। S एवं P के मध्य S = NP द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो N का न्यूनतम मान क्या होगा? N का न्यूनतम मान क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर चार रेजिस्टेंस हैं, उनका वैल्यू हम R कंसिडर कर लेते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। दोनों में हमारे को इनका तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में S जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि भाई इनके बीच में जो समान प्रतिरोध है वो R है, तो ये तो हो गया 4R। P की वैल्यू क्या होगी? 1/P = 1/R + 1/, समांतर क्रम में है ये चारों ही, तो ये हो गया 4/R और P = आ गया R/4। अब अपन को ये कहा गया है कि भाई इस N की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो मैं यहाँ से इससे R की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देता हूँ, S = 4 और R = आएगा 4P, तो S = आ गया 16P और N = आ गया 16। N = क्या आ गया? 16 आ गया। ओके, 3 ओम प्रतिरोधकों की कौन सी व्यवस्था 7 ओम का कुल प्रतिरोध देगी? यहां से देख लेते हैं। 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में, तो इनका कुल प्रतिरोध है वो 9 ओम हो जाएगा। यहां पर ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, तीनों ही समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये 3 ओम, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1.5। 1.5 और 3 हो जाएगा 4.5 ओम, ठीक है? यहाँ से 3 ओम, यहाँ से भी 3 ओम और इन तीनों का हो जाएगा 1 ओम, तो ये 3, 3, 6 और 1, 7, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट एवं 4 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को एक प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 2 एम्पियर है, परिपथ बंद है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध और बैटरी का सीमांत वोल्टता क्या होगी? देखिए हम क्या जानते हैं, बहने वाली धारा बराबर E/R + r, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/15/R + 4, तो R + 4 = 15/2 = 7.5 और R = आ गया 7.5 - 4 = 3.5 ओम। अब हमें टर्मिनल वोल्टता पूछिए जो कि E - IR होती है, तो E का मान हमारे पास में 15, I का मान 2, स्मॉल r का मान 4, तो यह आ जाएगा 7 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 7 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के साथ एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है। अधिकतम धारा जो सेल से ली जाती है के लिए आवश्यक शर्त क्या है?
देखिए जो आई की वैल्यू होती है वो है ई बट्टे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई मैक्सिमम के लिए, आई मैक्सिमम के लिए आर प्लस स्मॉल आर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और ये कब होगा? जब इस आर की वैल्यू जीरो हो। आर का मान कितना हो? जीरो हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रक की बैटरी का विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है तो वह अधिकतम धारा क्या है जो बैटरी से ली जा सकती है? तो देखिए अधिकतम धारा I बराबर, धारा बराबर E बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल R। I मैक्सिमम क्या हो जाएगा? R का मान आप जीरो कर दो, E बट्टे में स्मॉल R। तो E का मान 24, स्मॉल R का मान 0.8, तो 240 बट्टे में 8, तो यह आ जाएगा 30 एम्पीयर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम वाले एक बैटरी को किसी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 1 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध और बैटरी का हास वोल्टता क्या होगी जब परिपथ बंद हो? सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। आई बराबर होता है ई बट्टे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बराबर 12 बट्टे में कैपिटल आर प्लस 3। तो कैपिटल आर प्लस 3 बराबर है 12 और आर बराबर हो जाएगा 9 ओम। ओके, अब हमारे को वोल्टता पूछी है। वी बराबर हास वोल्टता, तो वी बराबर ई माइनस में आई आर। तो यहां से ई का मान हमारे पास में दे रखा है 12, माइनस में आई की जो वैल्यू वो 1, आंतरिक प्रतिरोध 3, तो यहां से ये 9 वोल्ट हो जाएगा। तो 9 वोल्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले एक सेल को परिवर्तनशील बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा जाता है। चूंकि प्रतिरोध कैपिटल आर बढ़ जाता है इसलिए कैपिटल आर से विभवांतर वी के आरेख को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे वोल्टेज, ये हमें वी और आई के बीच में ग्राफ हमें दे रखा है, तो वी और आई के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होगा वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आई बराबर क्या जानते हैं? ई बट्टे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और यहाँ से आर पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वी बराबर हम क्या जानते हैं? आई इंटू आर ई बट्टे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर। और कैपिटल आर को हम यहाँ पर नीचे ले आए तो हमारे पास में ई बट्टे में 1 प्लस स्मॉल आर बट्टे में कैपिटल आर। अब हमारे को ये कंडीशन के आर का मान जब 0 हो तो यहाँ से आर बराबर 0 तो V बराबर कितना? 0। और R बराबर अनंत तो V बराबर भी अनंत। V बराबर भी कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, मतलब V बराबर E हो जाएगा। V बराबर E, तो R का मान जब अनंत होगा तो V का मान इस E के बराबर होगा। 0 पर 0 है, ये वाला ग्राफ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब एक 2 एम्पीयर की धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर किसी बैटरी में प्रवाहित होती है तो इसमें विभवांतर 12 वोल्ट होता है। यदि विपरीत दिशा में बहने वाली धारा, यदि विपरीत दिशा में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा 15 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करती है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे को क्या दे रखा है। तो इसमें विभवांतर 12 वोल्ट होता है, हमें इसका जो विभवांतर है वी का मान कैपिटल वी ये दे रखा है। चलिए इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रथम स्थिति के अंदर प्रथम वी बराबर होता है ई माइनस आई आर। पहली स्थिति में 12 वोल्ट और ई का मान हमें ज्ञात नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है। धारा बह रही है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस
भी हमें नहीं दे रखा, तो वो भी हमें स्मॉल आर। दूसरी वाली स्थिति के अंदर हमें क्या दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में जब आप करंट फ्लो करेंगे तो ये 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये ई प्लस में जो धारा है वो 3 एम्पीयर की हो जाएगी। अब यदि हम क्या करें, इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर दो, दो में से एक को घटा दें तो 15 माइनस 12 बराबर 3R, 5R हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 3/5 ओम। ओके, यहां से हम E की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन से ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 प्लस में 2R, 2 × 3/5 बराबर E। तो E बराबर कितना आ गया, 5, यहां पर LCM आ गया 60 प्लस 5, 60 प्लस 6, 66/5। तो 66/5 ये आ गया हमारे पास में 13.2 वोल्ट, 13.2 वोल्ट, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन सेलों के समांतर क्रम में हम प्राप्त करते हैं, एन सेलों के समांतर क्रम में हम, समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, धारा बढ़ जाती है, अधिक धारा हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि समांतर विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के एन सेलों, समान विद्युत वाहक बल ई और उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एन सेलों को, तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यदि सारे के सारे सेल ही समांतर क्रम में है, उनका तुल्य विद्युत वाहक बल ई ही रहेगा और आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट बराबर आर बट्टे में एन हो जाएगा। तो ई और आर बट्टे में एन, ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक के विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यदि 3 सेल गलत रूप से जुड़े हैं तो इस संयोजन के कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होंगे। देखिए प्रत्येक कुल विद्युत वाहक बल 2E कम हो जाएगा, एक सेल यदि गलत तरीके से जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में जुड़े, यदि एन सेल जुड़े होते तो एन ई हो जाता, कितना हो जाता एन ई। एक सेल गलत जुड़ने का मतलब है वो 2E के बराबर वोल्टेज कम करेगा, 3 जुड़े हैं तो 6E कम कर देगा। तो एन ई माइनस 6E तो उसका विद्युत वाहक बल होगा। हालांकि आंतरिक प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एन आर ही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए कैसे। ये हमारे पास में एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, इसका ई, इसका ई, इसका ई। यदि ये मतलब सही तरीके से जुड़े हुए हैं तब तो इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है ई वो है 3E। अब यदि इसमें से भी एक ही गलत तरीके से जुड़ गया, ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा, ये ई प्लस ई माइनस में ई, तो ई रह जाएगा। तो देखो 3E था, अब ई रह गया, तो दो, एक सेल के गलत जुड़ने से 2E कम हो गया, 3 सेल गलत जुड़े हैं तो 6E कम हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस हैं वो चाहे गलत क्रम में जुड़े हैं चाहे सही क्रम में जुड़े हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किरचोप के संधि नियम की वैधता के बारे में सही कथन को छांटिए, सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो यह देखिए आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। निर्गमित धाराओं का योग संधि पर अंदर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर सही होता है, बिल्कुल सही है कि किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग अंदर निर्गमित होने वाली और अंदर जाने वाली बराबर होगी। तार को मोड़ने या पुनर्विन्यासित करने से नियम की वैधता चेंज नहीं होती, तो सारे स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जो सेंस जो क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।